क्या हुआ पापा को? पापा को ना सुबोध ने गोली मार दिया। किसने गोली मार दिया? सुबोध ने। सुबोध ने गोली मार दिया। कब मार दिया? अंकल लाड को। दोस्तों अभी मैं दलसिंह सराय प्रखंड के सलखनी मुख्तियारपुर पंचायत में हूँ और ये वार्ड नंबर 16 है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सब रखा हुआ है, अभी ये पोस्टमार्टम होके आया है सब। और मैं बता दूं कि दोस्त दोस्त का दुश्मन बन गया और दोस्त ने एक दोस्त के ले ली जान। मतलब ऐसी घटना हुई है यहाँ पे जो आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन वो घटनाएं सच में यहाँ पे हुई है। एक दोस्त ने ही दोस्त का जान ले लिया। ये रात की घटना है, बीते रात की घटना है। रात में वो दोनों लोग साथ में कहीं पे गए थे, कहीं पे नहीं, ये पास में एक जगह है वहीं पे गए थे। अब वहां पे एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को गोली मार के मार दी है। मतलब वहां पे सभी लोग थे, आसपास में लोग थे, बातचीत करते हुए सब कुछ ठीक ठाक था, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं। एक ऐसी दोस्ती जो आमजन में होता है, और वैसी दोस्ती में इस प्रकार की घटनाएं विश्वास होने वाली बात नहीं है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये तमाम लोग गांव के हैं, ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार का घटना हुआ है, जितने लोग यहाँ पे तकलीफ में हैं आप कल्पना कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका? विजय कुमार। अब विजय जी, ये घटना कब हुई थी? करीबन 8:10 में। अच्छा, 8:10 के आस पास जी। मतलब कैसे हुआ था ये? पहले से कुछ दुश्मनी थी या मतलब? नहीं, दुश्मनी तो नहीं था। अच्छा, दोनों में अच्छा रिश्ता था? हाँ, अच्छा रिश्ता, साथ में रहता। वो लड़का जिसने गोली मारा है वो गांव का है? इसी गांव का है वो? इसी गांव का है। अच्छा, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ ये बताएं क्या? हम तो देखे नहीं, लेकिन आ रहे थे रात में तो रोड के साइड में वो पड़ा हुआ था, तड़प रहा था, गोली लगा हुआ था। अच्छा, रोड के साइड में वो पड़े हुए थे, मतलब जिनका मौत हुआ है? हाँ। फिर उसके बाद उसको आया जो गोली मारा है, वो ले गया हॉस्पिटल। जो गोली मारा वो ले गया हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा, उसके बाद वो ले गया तो वहाँ हॉस्पिटल में देखा जो उसका स्थिति नाजुक है तो भाग गया वहाँ से। अच्छा, मतलब आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे? हम वहीं पर ना, जब आए तो वहीं पर थे। हाँ। और मतलब सुनने में ये आया कि उसी ने गोली मारा, जिसने ले गया था इलाज करवाने के लिए, उसी ने गोली मारा? सुनने में वही बोले जिनके यहाँ जो कांड हुआ है, जो सुबोध गोली मार दिया। अच्छा, वो लड़का इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का है। इसी गांव का है? हाँ, बगले में घर है। और प्रशासन वगैरह आई है? हाँ, प्रशासन आए थे रात में। अच्छा, एफआईआर हो गया ये? हाँ, एफआईआर हो गया। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे ये जो घटना हुई है क्यों हुआ होगा? जब दोस्त थे, दोनों लोग साथ में रहते थे, तो फिर ऐसा घटना का कारण क्या हुआ? हमारा ये फरीक हुआ, हमारा भतीजा लगा, ठीक है, हमारा ये अंदाजा नहीं था जिसके जन्म रहता है, तनिको कन्फर्म होता जिसके जन्म रहता है तो कुछ ना कुछ जरूर हम मना करते, लेकिन हमारा अंदाजा नहीं था जिसके जन्म रहता है। ये कल सुबह से ही चमका रहा है पूरा, पिस्तौल निकाल के। अच्छा, कल सुबह से? और 10 बजे से चमका रहा है। अच्छा, वो इंसान आपराधिक किस्म का है? पहले से उसका कुछ आपराधिक इतिहास? 2-3 महीना से रखता है, वो ऐसा लड़की का शादी था उसमें भी पिस्तौल चला दिया था गाछी में। अच्छा, मतलब पहले से ये ऐसा काम कर रहा था? 6 साल पहले चला दिया था, जिनमें आदमी इस पर शक नहीं किए समाज का आदमी। अच्छा, लेकिन आज क्लियर रूप में जो है ना, गरीब का जान ले लिया, जो देखो मासूम है, पत्नी उसका देखा है, वो कोई काम का नहीं है। सही बात, देखिए पत्नी का रूप देखिए, उसको बुलवाइए, वो रहने लायक नहीं है, वो कहना भगवान से जिंदगी काटेंगे वो कहना मुश्किल है। कितना उम्र होगा इनका जिनका मौत हुआ है? कितना होगा, 25-26 होगा, 27 साल होगा? 28 साल उम्र था जी। देखिए वो परिवार चला सकेगी, वो कोई कर्म का है, वो कम नहीं है, पति पति मर गया। जिनका मौत हुआ है उनका नाम राजू था, और उस राजू की ये पत्नी है और ये 2 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा। कब पता चला था कि आपके पति को मार दिया गया? रात को। कल रात में पता जी। अच्छा, यहाँ से मतलब कुछ बता के गए थे किसके साथ जा रहे हैं या कुछ भी लड़ाई झगड़ा उससे, ऐसा कुछ बता के गए थे? नहीं, ऐसा बता के नहीं गए, खाली गोली चला था। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू आपका? अनीश। अनिल नाम है? अनीश। अनीश, क्या हुआ पापा को? पापा को ना सुबोध ने गोली मार दिया। किसने गोली मार दिया? सुबोध ने। सुबोध ने गोली मार दिया। कब मार दिया? अंकल लाड को। देखिए मेरा हाथ कांप रहा है, कितनी दर्दनाक ये घटना है। ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, परिवार है घर में, माता जी पिताजी हैं, इनकी पत्नी है, और एक व्यक्ति जो कमा के घर को मतलब खिलाता पिलाता था, जो घर का ध्यान रखता था मजदूरी करके, और उस व्यक्ति को मार दिया गया। आप कौन देखेगा इसको, कौन देखेगा? और मैं बता दूं कि ऐसी घटना लगातार होती है, लेकिन हमारे बिहार में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है ये सभी लोग जान रहे हैं। अच्छा, पहले भी इस प्रकार का कांड किया है, बराती के साथ में। मतलब अभी सोच लीजिए इतना कि समय ऐसा हो गया है कि अपराधी पिस्तौल लेके, बंदूक लेके, तलवार लेके, चाकू लेके वो दिन में घूमता है, लेकिन उससे कोई रोकने वाला नहीं है, कानून है, लेकिन वैसे वैसे लोग फिर भी घूम रहे हैं। आखिर उस कानून का क्या महत्व, जिस कानून के होते इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है, लगातार हो रही है। ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है, ये ऐसी ऐसी घटना लगातार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी को वैसी सजा नहीं मिलती है। उग्रवादी से खुद कानून बिका हुआ है, वो तो करवाता है, और इससे ज्यादा क्या होगा? प्रशासन डालेगा तो मतलब चल, कोई उग्रवादी कुछ नहीं करेगा।
अच्छा राजू जी के साथ हुए हैं। इधर कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? हमारा मुख्तियारपुर सलखनी में। हमारा पानी आपको पता चला था कि? हाँ, हमारे को 8:30 बजे में पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। दूसरे आदमी कहा, तब जब हम यहाँ आके पता किए तो बात सही था, तब तक वो डॉक्टर के यहाँ ले गया था। और उसके बाद जो है से डॉक्टर के यहाँ से तब फिर हम घर गए, पत्नी को बोले, पत्नी को लेकर फिर यहाँ आए तो पता चला कि डेट कर गया। तो उसके बाद पत्नी यहीं है, हम भी यहीं हैं उस समय से। देखिए, किसी भी स्थिति में जो नुकसान इस परिवार को हुआ है वो भरपाई नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन एक न्याय की आशा है प्रशासन से, किसी भी कीमत में वो वापस नहीं आ सकते हैं और रोते बिलखते रहना है इस पूरे जीवन भर ऐसे परिवार को। दो बच्चे हैं, बीवी हैं, घर में और लोग हैं, कौन खिलाएगा इनको? तो एक न्याय की उम्मीद है दलसिंहसराय प्रशासन से, समस्तीपुर जिला प्रशासन से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक घटना नहीं है, मैं पहले भी बताया कि ऐसी घटनाएं लगातार होती है, लगातार हो रही है। हाल फिलहाल में एक SHO को, थाना अध्यक्ष को मार दिया गया था। तो ये इस प्रकार की घटना है। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा जहां पे ये घटना हुआ है, जिस जगह पे ये घटना हुआ है मैं वो भी दिखाऊंगा। बाकी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा दलसिंहसराय प्रशासन से कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहा है। बाकी आगे क्या होता है मैं निश्चित रूप से आप सब उससे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय।